इतिहास प्रबोधन संस्था द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज पर अभ्यास कर रहा है। इसी क्रम में विश्व का पहला साहित्य सम्मेलन लिया जाने वाला है। संबंधित सम्मेलन 26 जून से 29 जून तक नूतन मराठा महाविद्यालय जलगांव के प्रांगण में होने वाला है, जिसकी जानकारी आयोजकों की ओर से साझा की गई। 7 प्रदर्शन, 12 व्याख्यान जो छत्रपति शिवाजी महाराज के चरित्र पर आधारित है। शस्त्र प्रदर्शन, नाणे प्रदर्शन, चित्र प्रदर्शन, पगड़ी प्रदर्शन, आर्मर प्रदर्शन, समाधि प्रदर्शन एवं विरगल प्रदर्शन और एक मुलाकात किए जाने वाली है। एक दो परिसंवाद है, एक प्रश्नोत्तर का तास है, जिसमें से छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन में जो कुछ घटना है जो समाज को पता नहीं है वो समाज को दिखलाने का काम ये सम्मेलन के माध्यम से करने का प्रयास करें। सातारा गादी के शिवेंद्र सिंह राजे भोसले, नागपुर गादी के मधोजी राजे भोसले, तंजावर गादी के शिवाजी राजे भोसले और कोल्हापुर गादी के छत्रपति संभाजी महाराज एवं इस पूरे सम्मेलन के जो सम्मेलनाध्यक्ष हैं वो नागपुरवासी विजयराव देशमुख, जिन्होंने शिखकर्ता शिवराज यह किताब लिखी हुई है, ग्रंथ लिखा हुआ है। इसके अलावा छत्रपति शिवराय के साथ काम करने वाले 75 मावे, जैसे कि तानाजी मालुसरे, बाजी प्रभु देशपांडे, रामचंद्र पंत अमात्य, मुरारबाजी देशपांडे, बहिर्जी नाईक, इन सभी के आज के वंशज इस सम्मेलन में सम्मिलित होने वाले हैं। क्या उद्देश्य है इसका, मतलब ये लेने का? छत्रपति शिवाजी महाराज का वास्तवतादर्शी इतिहास हम आने वाली पीढ़ी को कैसे हस्तांतरित कर सकते हैं, यह प्रयास है।